हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द जीआर लर्निंग। सो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि सी की हमें नीट क्यों पड़ी, ठीक है, क्यों हम सी लैंग्वेज जो है वो स्टडी करते हैं, ठीक है। यहाँ कंप्यूटर जो है वो सी नहीं समझ सकता, वो मशीन लेवल समझ सकता है, ठीक है। इसलिए कंपाइलर जो है वो सी लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मशीन लैंग्वेज में। ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। अगर मेरा आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले वो जाके देखिए, फिर ही आप ये लेक्चर देखें, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सी लैंग्वेज जो है उसमें हमने क्या क्या पढ़ना है वो यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है कि अगर हमने इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी होती है तो हम सबसे पहले क्या सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, एबीसी, विच इज अल्फाबेट्स, ठीक है। हमारा इनिशियल स्टेप क्या होता है कि हम अल्फाबेट सीखते हैं, एबीसी सीखते हैं, ठीक है, अगर हमने इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना है तो। उसके बाद जब हमें एबीसी आ जाती है, ए टू जेड, फिर हम क्या सीखते हैं, वर्ड्स। वर्ड्स मतलब हेलो, हाय, ठीक है। हम क्या सीखते हैं अल्फाबेट्स के बाद, वर्ड्स सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या सीखते हैं, सेंटेंस। सपोज मैं लिख दूं हेलो हाउ आर यू, ठीक है। हम वर्ड्स सीखने के बाद क्या सीखते हैं, सेंटेंस सीखते हैं। उसके बाद हम सीखते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ मतलब हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन एंड ऑल दैट, ठीक है। ये सारा पैराग्राफ जो है वो हम सीखते हैं, तभी जाके हम कहते हैं दैट मुझे इंग्लिश लैंग्वेज आ गई। तो ऑन द सेम साइड अगर मैंने सी लैंग्वेज सीखनी है तो मुझे भी तो स्टार्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा ना। बिल्कुल फ्रॉम द स्टार्टिंग से हमने समझना है कि दैट जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में ए टू जेड ए बी सी सीखते हैं, वैसे ही हमने सी लैंग्वेज में भी अल्फाबेट्स सीखने। अल्फाबेट्स क्या होते हैं, डिजिट्स क्या होते हैं, स्पेशल सिंबल्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम आते हैं कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, देन इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोग्राम क्या होता है। हम सीधा प्रोग्राम पे नहीं जा सकते, ठीक है। अगर हम सीधा प्रोग्राम पे चले जाएंगे तो हमें ये चीजें जो है वो समझ नहीं आ पाएंगी, ठीक है। वैसे अगर हम सीधा ही पैराग्राफ से शुरू कर दें इंग्लिश सीखना तो हमें नहीं पता चलेगा ना कि अल्फाबेट्स कौन से थे, वर्ड्स कौन से थे, सेंटेंस कौन सा था। इसलिए हमें ये सारी चीजें स्टार्टिंग वाली सीखनी पड़ी। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तभी जाके हम एक पैराग्राफ लिख पाएंगे ना इंग्लिश में। वैसे ही अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तभी हम प्रोग्राम लिखना जो है वो सीख सकेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो मैं सिखाऊंगी सबसे पहले कि अल्फाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स क्या होते हैं। ये जो है एक कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, जिस जो टॉपिक है हमारा करेक्टर सेट, करेक्टर सेट इन सी, ठीक है। इस टॉपिक के अंडर हमने ये चीजें पढ़नी है, अल्फाबेट्स, डिजिट, स्पेशल सिंबल। ये तीनों चीजें हम एक टॉपिक के अंडर पढ़ेंगे जो कि है करेक्टर सेट इन सी, ठीक है। उसके बाद आते हैं कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड। ये तीनों टॉपिक जो है वो अलग अलग है, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और कीवर्ड अलग अलग टॉपिक है, वो हम एक एक लेक्चर में पढ़ लेंगे या देख लेंगे, ये तीनों को इकट्ठे डिस्कस कर लें। उसके बाद आती है इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। जैसे सेंटेंसेज होते हैं वैसे ही इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद जब बड़ी सारी इंस्ट्रक्शंस कंबाइन हो जाती हैं तो हमारा क्या बन जाता है, एक प्रोग्राम। जैसे बड़े सारे सेंटेंसेस कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बन जाता है, पैराग्राफ। ऑन द सेम साइड जब बड़ी सारी इंस्ट्रक्शंस को कंबाइन कर देते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा प्रोग्राम। आई होप आपको इतनी बात तो क्लियर होगी कि दैट अगर मुझे इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो मुझे स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। पहले अल्फाबेट सीखने पड़ते हैं, फिर वर्ड्स सीखने पड़ते हैं, फिर सेंटेंसेस सीखने पड़ते हैं, फिर पैराग्राफ पे आते हैं हम, ठीक है। फिर ऑन द सेम साइड अगर मुझे सी लैंग्वेज सीखनी है तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले अल्फाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स को सीखूंगी कि ये कौन कौन से होते हैं, देन कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स ये क्या होते हैं, फिर इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, फिर प्रोग्राम पे आऊंगी मैं। सीधा ही मैं प्रोग्राम पे नहीं जाऊंगी, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम ये सारी चीजें सीखेंगे। अगर इंग्लिश सीखते हैं तो ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए, वैसे ही अगर हमने सी सीखनी है तो ये सारी चीजें हमें जो है वो आनी चाहिए, ठीक है। आप मेरा प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें तभी हमें पता चलेगा कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी हमें सी लैंग्वेज की, ठीक है। और ये जो है ये जस्ट मैंने इंट्रो दिया है कि क्या हमने सी में पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले हमने ये चीजें करनी है, फिर ये, देन प्रोग्राम्स पे हमने मेन फोकस करना है, ठीक है। जैसे हम आजकल पैराग्राफ्स पे मेन फोकस करते हैं, इंग्लिश बोलते टाइम हम पूरा पैराग्राफ बोलते हैं या पैराग्राफ कोई लिखने को दे देता है, वैसे ही हम इसमें प्रोग्राम्स पे ज्यादा मेन फोकस करेंगे, ठीक है। ये जस्ट एक एक टॉपिक करेंगे हम, हमें पता होना चाहिए कीवर्ड्स वगैरह क्या होते हैं, उसके बाद हम मेन फोकस जो है अपना प्रोग्राम्स पे ही करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।